इधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर गोली चलाने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने किसानों से जुड़े तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने शिवराज सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने हालात को अच्छे से संभाला है। शाह ने इन दिनों महाराष्ट्र के दौरे पर है वो, और उन्होंने किसानों के लिए देवेंद्र फडणवीस के कामों की भी तारीफ की। देखिए, मध्य प्रदेश का फार्मर हेजिटेशन सिर्फ तीन चार जिलों में ही हुआ है और दो ही दिन में वो समाप्त हो गया है, मगर गोली चलने की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई इसके कारण थोड़ा ज्यादा हुआ, मगर वहाँ की सरकार ने बहुत अच्छे से संवेदनशीलता से के साथ और किसानों के साथ मिल बैठकर बात कर इसको अभी संभाला है और स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। किसान की माली हालत बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश में 15 साल से रवि और खरीफ फसल की धान खरीदी नहीं हुई। करेक्ट, ना गेहूँ खरीदा गया ना धान खरीदा गया। महाराष्ट्र में 8 साल के अकाल के अंदर कोई काम, माइन -8% ग्रोथ रेट, आप कल्पना कर सकते हो महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, जो स्टेट कभी देश के सबसे अच्छे कृषि डेवलपमेंट वाले स्टेटों में माना जाता है। सबसे ज्यादा आत्महत्या भी यही हो रही है, R&D जहाँ सबसे ज्यादा कृषि में हुआ है, और बहुत बड़े किसान नेता यहाँ से देश की राजनीति को मिले, वो राज्य में स्थिति थी। देखिए, इसको राज्य सरकार सोच समझ कर रही होगी, उनको अपना बजट बनाना है, और इस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता।